नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता हालदार। पेश करते हैं देश विदेश की सबसे बड़ी खबरें, लेकिन शुरू करते हैं राज्य की खबरों के साथ। ममता ने कहा, मैं लीडर नहीं कैडर हूं। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में इतिहास रचेगा विपक्ष। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर हुई इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आई तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के इरादे से विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क रही है। भर भराकर गिरा पड़ा बाजार में मकान। स्थानीय पार्षद संतोष पाठक ने गंभीर चिंता जताई। साथ ही संतोष जताया कि इसमें किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। सरकार ने पश्चिम बंगाल के संसदीय मंत्री और तृणमूल के महासचिव पार्थ चैटर्जी की उपस्थिति में विधानसभा सचिवालय के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल नेता दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफा से यह सीट खाली हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में विधानसभा चुनाव बाद हुई कथित हिंसा पर राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जांच समिति की रिपोर्ट के सिलसिले में पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि इस विषय को फिर से 2 अगस्त की सुनवाई के लिए लिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर उसे पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दे दिया। परसों त्रिपुरा जाएंगे अभिषेक, कल डेरेक और काकोली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम को रिहा करने के लिए बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की 3 सदस्य टीम त्रिपुरा पहुंची। इनमें राज्य के वरिष्ठ मंत्री मलय घटक, शिक्षा मंत्री ब्रात बसु तथा तृणमूल नेता ऋतव्रत बनर्जी शामिल हैं। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के तहत मेट्रो परियोजना पर कोलकाता मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन काफी तेजी से काम कर रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण परियोजना के रफ्तार पर कुछ ब्रेक लगा था, हालांकि अब धीरे धीरे काम की गति ने रफ्तार पकड़ी है। अब रुख डालते हैं जिलों की खबरों की तरफ। हावड़ा के कई इलाकों में जल जमाव, कांतीपाड़ा में कई घरों में घुसा पानी। जीटी रोड पे हुए जल जमाव के कारण आवागमन पर असर। हावड़ा के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर जल जमाव देखा गया। इसके अलावा लिलुआ की रेलवे कॉलोनी, बेलूर थाना के इलाके, सल्किया, दर्शक घोष लेन, बामनगाछी, केल्विन रोड, टिकियापाड़ा, बेलिलियस रोड, ईस्ट वेस्ट बाईपास, मुसलमान पाड़ा लेन, आसुबोस लेन, पंचनंतला रोड, 17 नंबर वार्ड के MC घोष लेन का भी हाल बेहाल है। पश्चिम बंगाल के बक्सा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे 14 बाघ। पश्चिम बंगाल वन विभाग को असम के काजीरंगा से 14 बाघ मिलने वाले हैं, जिन्हें उत्तर बंगाल के बक्सा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा। राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 मादा और 4 नर बाघों को काजीरंगा के जंगल से लाया जाएगा, क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास बक्सा वन क्षेत्र के समान है। अब देख लेते हैं देश विदेश की सबसे बड़ी खबरें। बैंक डूबने पर भी 5 लाख तक की रकम सुरक्षित रहेगी। 90 दिन के भीतर ग्राहक को मिलेगा पैसा। अब तक 1 लाख रुपए थी लिमिट। 10 सांसदों पर निलंबन की तलवार। पेगासस पर हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित। स्पीकर की ओर पर्चे उछालने वालों पर की जा सकती है कार्रवाई। भारत की बेटियों ने फिर किया शानदार प्रदर्शन। बैडमिंटन में PV सिंधु, तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और बॉक्सिंग में पूजा रानी जीती। महानगर से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ।